मैं अपने मर्जी से बंटी सिंह से शादी कर ली हूँ और इस शादी के बारे में मैं पहले भी अपने घर में बात की। तीनों मिलकर मुझे और मेरे पति बंटी सिंह को जान से मारने की साजिश रचने लगे। मुखिया जो एक खुद अपराधी है वो मेरे पति को अपराधी बोल रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास रह चुका है। SN Live, सच सबसे आगे। सिवान में प्रेम विवाह पर विवाद, लड़की और पति को जान से मारने की धमकी, लड़की ने खोला मुखिया का आपराधिक इतिहास, कहा मैंने किया है अपनी मर्जी से शादी, SP से लगाई न्याय की गुहार। सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के खलवा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल परिवारों के बीच में तनाव पैदा किया है बल्कि यह भी दिखाया है कि समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार करने में अभी भी कई बाधाएं हैं। इस मामले में आरकृति राय उर्फ मनीष राय ने अपने प्रेमी बंटी सिंह से अपनी मर्जी से शादी की, हालांकि यह शादी उसके परिवार को नागवार गुजरी और अब लड़की और उसके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। मैं आकृति राय उर्फ मनीषा राय, पिताजी दिनेश राय, नौतन थाना क्षेत्र के खलवा गांव के मैं निवासी हूं और मैं अपने मर्जी से बंटी सिंह से शादी कर ली हूं। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। आरकृति राय सिवान जिले के खलवा गांव की रहने वाली है। उसने मीडिया को बताया कि 21 अक्टूबर 2024 को उसने बंटी सिंह से कोर्ट मैरिज की। आरकृति का कहना है कि यह विवाह उसकी मर्जी से हुआ है, हालांकि उसके परिवार वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आरकृति ने आरोप लगाया है कि उसके भाई नीरज राय, गांव के मुखिया अमित सिंह उर्फ पिंटू सिंह और मुक्ति राय उर्फ मृत्युंजय राय ने मिलकर उसके पति बंटी सिंह की हत्या की साजिश रची है। आरकृति ने यह भी दावा किया है कि उसके पास हत्या की साजिश से जुड़ी कॉल रिकॉर्डिंग है जो इन आरोप को साबित कर सकती है। और इस शादी के बारे में मैं पहले भी अपने घर में बात की थी तो मेरे बड़े भाई यानी नीरज राय और उनके मित्र मेरे पंचायत के मुखिया अमित सिंह उर्फ पिंटू सिंह और मेरे गांव के मृत्युंजय राय उर्फ मुक्ति राय ने तीनों मिलकर मुझे और मेरे पति बंटी सिंह को जान से मारने की साजिश रचने लगे। प्रेम प्रसंग और दबाव की कहानी। आरकृति और बंटी के बीच में प्रेम संबंध काफी समय से था। आरकृति ने अपने परिवार से शादी की बात की लेकिन परिवार ने इसे खारिज कर दिया। आरकृति ने बताया कि परिवार के इनकार के बाद उसने परिवार के सदस्यों को अपने पति की हत्या की साजिश रचते हुए सुना। इससे डरकर उसने यह सारी बात बंटी को बताई लेकिन बंटी ने ऐसे हालात में शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आकृति ने बंटी से कहा कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो वह आत्महत्या कर लेगी। मजबूरी में बंटी ने आकृति से शादी करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर जयपुर में शादी की और इसका प्रमाण मैरिज सर्टिफिकेट के रूप में सिवान पुलिस कप्तान अमितेश कुमार को स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिया। तीनों मिलकर मुझे और मेरे पति बंटी सिंह को जान से मारने की साजिश रचने लगे और मैं अपने कानों से सुन ली और मैं बहुत डर सी गई थी। फिर मैं ये बात बंटी सिंह से बताई, ये भी बहुत डर गए, ये शादी के लिए इनकार कर दिए। फिर मैं बोली कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी और इनके ऊपर दबाव डालकर मैं भाग कर शादी कर ली। और 25/11/2024 को मैंने SP सर और नौतन थाना प्रभारी को मैट्रिक सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट SP पोस्ट कर दिए हैं और मेरे घर वाले मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं कि मैं नाबालिग हूँ, जिसमें मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट है इसमें मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और मेरा BSc भी कंप्लीट हो चुका है। मुखिया पर आरोप। आरकृति ने गांव के मुखिया अमित सिंह उर्फ पिंटू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि मुखिया का आपराधिक इतिहास है और उस पर पटना के विभिन्न थानों में कई FIR दर्ज है। वह झारखंड की जेल में भी समय बिता चुका है। इसके बावजूद मुखिया ने बंटी को अपराधी घोषित कर दिया और उसे बदनाम करने की कोशिश की। आरकृति का कहना है कि मुखिया ने इस मामले में एक सक्रिय भूमिका निभाई है और वह लगातार उसकी और उसके पति के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और अमित सिंह मुखिया जो एक खुद अपराधी है वो मेरे पति को अपराधी बोल रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास रह चुका है। पटना में कृष्णपुरी थाने में भी 1 FIR दर्ज है और पाटलिपुत्र थाने में भी 1 FIR दर्ज है और कई बार जेल भी जा चुके हैं। झारखंड में भी 1 FIR दर्ज है। आप लोग 64 का बयान क्यों नहीं करवा ले रहे हैं? हम लोग 64 का बयान इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि वो लोग किसी और से मेरा लाइनअप मांग रहे हैं और मुझे डर है कि हम लोग अगर 164 के बयान के लिए जाएं तो रास्ते में वो लोग हमारी हत्या ना कर दें। इसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। पुलिस और प्रशासन से अपील। आरकृति ने सिवान के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार से मदद की गुहार लगाई है। उसने अपने और अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उसने यह भी कहा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है जो यह साबित कर सकते हैं कि उसके परिवार वाले और मुखिया मिलकर साजिश रच रहे हैं। कौन दिक्कत हो के तो हमर लगे आ जा लो।
कहसन कि ठीक बा रूम हम देख आ बताओ हमने क्या जम जा ये कुली बात बोल ओकरा बाद हम फोन कमी रोक लगे रूम देखी बोलाई हम ढेर टेंशन होता है कि मरा गनी फंस गनी अकेले बानी हम और मान ली राव साथ देते नहीं तो दुश्मनी करिए सन वो हमारे को मार दिए सन ठीक है बात तब ओकनी के बुलाओ तो नहीं हम मतलब अभी फिलहाल खाली जब भी फोन करते तब बंटिया से बात होता तब ओकरे के खाली बुलाओ तो नहीं बुला बोलैले के बाद हम सब चीज दे देम लोकेशन ओकर सब दे देम ओकरा बाद हम हाँ तो ओकरा बाद हम हर जम क्लियर हो जाम ठीक निष्कर्ष आकृति और बंटी का यह मामला पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह जरूरी है कि प्रशासन इस मामले की गंभीरता को समझे और उचित कार्रवाई करे। साथ ही समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना ही सच्ची प्रगति है। ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए देखने के लिए बने रही है एसएन लाइव न्यूज के साथ। किडनी हार्ट लीवर मूत्र रोग फेफड़ों से परेशान तो आशीर्वाद हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर विकास कुमार डॉक्टर नीलम ओपी सोनी अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें डॉक्टर कॉलोनी विजय हाता सिवान। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।